ये तो इस तरह आए हैं जिस तरह इन्होंने दुबई जा रहे हैं किसी को छोड़ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो जनाब? ठीक हो? क्या क्या पकड़ा हुआ आपने? सल्ला। अच्छा, चावल। ये जनाब से ये इसके अंदर व्लॉगिंग का थोड़ा बहुत सामान है और इन्होंने मसाला पकड़ा हुआ है। मसाले से इस तरह लग रहा है सारे हज पे जा रहे हैं। और एक भाई अभी अंदर है, इसको बुलाते हैं। भाई किधर जा रहे हो? एक ये भैया आ गए। अभी हम यहाँ से गाड़ी निकालेंगे और उसके बाद अब अपना असला और अपने जितने भी बर्तन हैं वो पूरे कर रहे हैं। ये हमारे शेफ साहब हैं, इन्होंने वहाँ जाके देख पकानी है चावलों को। आज भाई का बर्थडे भी है और आज इन भाई का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो। चलो बंद कर दो। अस्सलामुअलैकुम, आज 19 अप्रैल 2022 और हम लास्ट टाइम स्वाद कलाम टूर पे गए थे, उसके बाद हमने कोई टूर नहीं किया तो हमने छोटा सा टूर अरेंज किया है। एक दिन में हमने सैरी करनी है झेलम और इस तारी हम करेंगे ठंडियारी टॉप पे। तो सैरी करने जा रहे हैं मियाँ जी। सैरी करने के बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे, तकरीबन 10 बजे हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस्लामाबाद से हम फिर आगे जाएंगे अम्ब्रेला वाटरफॉल और उसके बाद फिर हमने ठंडियारी टॉप पर जाके हमने कुकिंग करनी है और साथ वहाँ पर इस तारी करनी है। तो मिलते हैं बाप भी आगे। हम अपने रास्ते की तरफ गामजन है, थोड़ी देर तक हम जो है चावल उबाल के फिर सरल बना के फिर तेल वाली बिरयानी बनती है। यार ऑयल यूज होएगा? ये तो हम लोग अभी मियाँ जी उतरे हैं और यहाँ पता चला है कि पाए नहीं हैं और हम सब पाए लवर्स हैं और अब पाए नहीं, यहाँ पे हमें नहीं मिले। अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे कौन से रेस्टोरेंट अवेलेबल है जहाँ से हमें पाया मिल जाए। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं आपने खाना खाया? चलो ठीक है। माश की दाल है, ये शाही चने हैं और ये चने की दाल है और ये इनके पराठे हैं और मेरे अभी अंडे लग रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। जी तो हमने भी यहाँ से सैरी कर ली है। ये मदनी रेस्टोरेंट बारबेक्यू है और मियाँ जी से थोड़ा सा ही आगे है और वहाँ पे हमें पाए नहीं थे मिले और हमारे पास टाइम कम था। यहाँ पे हमने जो खाया उनका टेस्ट और इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी। अभी हम यहाँ से सैरी करने के बाद हमने
यहाँ से निकलना है सीधा एक्टाबाद घर जाएंगे, और एक्टाबाद यहाँ सामान लेंगे, थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद हम फिर हम अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। अब आपको मिलते हैं चल के अम्ब्रेला वाटरफॉल। ओके सात बजे हैं और हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और यहाँ से हम निकलने लगे हैं। हमने मैप लगाया हुआ वाटरफॉल का, तो हम तकरीबन कोई एक घंटे तक वाटरफॉल तक ऐसे पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ से नज़दीक है वाटरफॉल और बड़ा अच्छा एक व्यू है इस्लामाबाद का, बड़ा अच्छा यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग इस टाइम हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जबरी ब्रांच, हम इस टाइम जबरी के पास हैं और हमें किसी ने बताया कि हम लोग ना गलत ट्रैक पे चढ़ गए हैं। बेसिकली हमने अब जहाँ से जाना था उधर वाटरफॉल पे, तो हम ये ट्रैक है ये काफ़ी ना इंडिया की साइड पे जा रहा है। किधर जा रहे हैं? इंडिया वाली साइड पे। इंडिया जा रहे हैं? हम बिना पासपोर्ट के इंडिया जा रहे हैं, तो लिहाजा बिजन की भाई जान, लिहाजा हमने सोचा कि यहाँ से जो शॉर्टकट है हम वो इख्तियार करते हैं। और किसी बंदे से पूछा, वो कह रहे हैं कि आप वहाँ से ऊपर से जाएं, एक शॉर्टकट है वो डायरेक्ट आपको एक्टाबाद वाली साइड पर ले जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी बहुत सर्दी भी है, तो सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा वेदर है। थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन ये है कि अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। दोबारा मिलते हैं फिर आपको। हाँ जी बताएं, आपको कैसा लगा यहाँ पर आ गए? फिलहाल तो कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, आगे जाके बताएंगे कैसा लग रहा। अभी आप मंजिल पे नहीं पहुंचे? अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे, अभी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। हमें बेसिकली ये मैप की वजह से ये हम इस गलत ट्रैक पे चढ़ गए हैं। हाँ जी बताओ जी, क्या बताएं, जहाँ भी जा रहे हैं खूबसूरती की खूबसूरती। हाय हाय हाय, जॉन हिले के बेटे तो नहीं है? नहीं नहीं, रास्ता यहाँ से कितना कितना नीचे रास्ता? चलो जब आप वापस आएंगे तो बाबा जी से कर लेंगे बात। जब आप अम्ब्रेला वाटरफॉल आएंगे तो यहाँ पे आपको ये स्टिक्स मिलेंगे 30 रुपए की स्टिक। वाह, ये आपको भाई मिलेगा, वो सामने लिखा हुआ है अम्ब्रेला ऑफशोर बैटरी अल हबीब कार एंड मोटरसाइकिल पार्किंग। ये वाटरफॉल है, ये वो सारा एरिया। अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं यहाँ वाटरफॉल पे आके आप लोगों को ये टूर गाइड की ऑफर करेंगे कि यहाँ से टूर गाइड ले लें और वो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ से सीधा सीधा ट्रैक है, आपने सीधे सीधे ट्रैक से आना है और ट्रैक नहीं अपना छोड़ना, तो आप वाटरफॉल पे इजीली आप पहुँच जाएंगे। टाइप एरिया है, नीचे ये काफ़ी गहरी खाई है, ये आप देख सकते हैं, आप आवाज़ सुन सकते होंगे उसकी, और ये सामने से पानी आ रहा है। काफ़ी मुश्किल रास्ता है ये, इतना आसान नहीं है, ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। यहाँ से आने से पहले हमने डिसाइड किया था कि हम शूज़ ले लेते हैं, पर इन्होंने कहा कि नहीं शूज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये चप्पलें पहन के आए हुए हैं और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है चलना, और ट्रैक काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान ट्रैक नहीं है। अभी पौने घंटे से निकले, वाटरफॉल पे आना इतना आसान नहीं है, सीधा सीधा रास्ता था। ये भाई इस पत्थर पे आए हैं और यहाँ स्लिप कर गए हैं। अपने हाथ दिखाओ जरा, ये देखें काफ़ी शरीर जख्मी हो गया हमारा एक फौजी नौजवान, और एक फौजी हमारा उधर खड़ा है, दो फौजी मारे इधर बैठे हुए हैं। ये फौजी शहीद होने लगा, ये वैसे ही शहीद अनकरीब ना करने दिया, अनकरीब हमारे फौजी संभलने तोड़ देंगे।
फाइनली हम पहुंच गए नीचे, ये सारा पानी है और उस तरफ आगे जो है ना वो वाटरफॉल है। बेसिकली यहाँ पे पानी की जो है ना स्पीड काफ़ी कम है, तो लग रहा है कि वाटरफॉल आ गया जो हम वीडियोस में देखते हैं और जो हम नेट पे देखते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ ये वाला ऐसे ही पानी है, जो वाटरफॉल है जो ऊपर से आबशार की तरह आती है वो मेरा हल आ गया, तो हम उस साइड पे जा रहे हैं। फिर आपको पानी इन्होंने जाना है, गेट टू सबमिट करना है। ऐसे एरिया में आप जब भी आए आप अपने शूज अपने साथ लेके आए, हम शूज नहीं लेके आए, उसकी वजह से हमें बड़ी डिफिकल्टी हुई। काफ़ी देर से हम लोग वो ऊपर से हम हाइकिंगर के नीचे आए हैं, तो पानी वापस जाने वाले से हम वापस जाने लगे थे, हमारा प्लान चेंज हो गया था पानी का, सिर्फ हमें ये छोटी सी हमें छोटी सी वाटरफॉल ही नजर आई थी, ये तो हमने कहा बस यही है, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम चले गए हैं, आए हम आपको मेन वाटरफॉल का दिखा दो। वाटरफॉल जो आप लोग टिकटॉक पे और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आते हैं ये दिखाते हैं, वो सामने मेन अम्ब्रेला वाटरफॉल है। हमने हार नहीं थी माननी, और ने हमें हमारे सफर का फल दिया। पीछे कुछ दोस्त अभी पीछे थक के बैठ गए थे, वो भी अब तैयारी कर रहे हैं आगे आने की। जी तो फ्रेंड्स ये है अम्ब्रेला वाटरफॉल, वो सामने पानी मोतियों की तरह जमीन पे गिर रहा है और ये सारा इससे से भी पानी आ रहा है, और वो हमारी टीम के मेंबर हैं जो अभी रास्ते में हैं, जो एक दूसरे को चीज़ें मार रहे हैं। आपको भी मज़ा आया होगा वाटरफॉल देखने का। अभी हम जाने लगे हैं तो अब ये और खूबसूरत हुई जा रही है और काफ़ी यहाँ धूप तेज़ हो गई है, अब हमारे पास टाइम कम है, हमने खंडियाने आगे से निकलना है, तो इसलिए हम यहाँ से निकलने लगे हैं और इसको हम बाय बाय करने लगे हैं। अब आपको मिलते हैं चल के खंडियाने का।